गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको हिंदी के बारे में बताऊंगी, जैसे बाद के अक्षर व बीच के अक्षरों के बारे में कुछ सीखें। हम हिंदी में वर्णमाला की तरफ ध्यान दें। देखिए, ए अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से ऊन, ऐसे कर बोलते जाएंगे। री ए ऐ, ओ औ, अंग एह। अब आपने ये स्वर पढ़ लिया है, इसके बाद हम क्या करेंगे, बाद के अक्षर की तरफ जाएंगे। अब मैंने क्या लिखा यहाँ पर, ई, क्या लिखा, ई। अब इसमें से आपने ढूंढना है, अब देखो कहाँ पर है, ए आ ई ई। क्वेश्चन क्या है आपका, ई, तो ई के बाद क्या आएगा, बोलो ई, क्या आएगा, ई। तो यहाँ पर क्या लिखूँ मैं, ई। आगे देखो ए, ये क्या है आपका, ए। पढ़ो फिर आप, देखो कहाँ पर है ए, ए आ ई ई, ऊ ऊ, री ए ऐ। ये क्या लिखा था मैंने यहाँ पर, ए, क्या था यहाँ पर, ए। तो ए के बाद क्या है आपका, ऐ, क्या आएगा यहाँ पर, ऐ। ऐसे ही आपने बाद के अक्षर सिक्स सिक्स करने हैं। आगे फिर बीच के अक्षरों को की तरफ जाएंगे। बीच के अक्षर, इनमें क्या बताना होता है, जो आप ए आ ई, तो इसके बीच में देखो क्या आया, आ। ऐसे ही बीच के अक्षर बताने हैं आपने, समझने की कोशिश कीजिए। ए फिलअप, खाली स्थान है ये आपका यहाँ पर, ई, तो इसमें ये खाली स्थान है तो क्या आएगा, देखो आप समझो, ए ई, ई के बीच में क्या आया हुआ है, आ। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, आ, आ से आम, जो आप नर्सरी क्लास में बोलते हो। एक बार बताती हूँ, फिर आपने दोबारा सिंपल में बोलना है, ठीक है। आगे देखो ए, क्या है ये, ए ए, फिर खाली स्थान है आपका, फिर ओ, क्या है ये, ए, फिर है आपका खाली स्थान, फिर ओ। अब हम पढ़ेंगे ए आ ई ई, ऊ ऊ, री ए आई ओ। ओ देखो, अब ए आ गया, ए के बाद आपने क्या बोला, आई, फिर इसके बाद क्या आया, ओ, तो ये बीच में क्या आया आपका यहाँ पर, आई, क्या आया, आई। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, ए आई ओ, क्या बन गया ये आपका, आई, बीच का अक्षर। थैंक यू।